अपनी ये सर्विस बंद कर रहा गूगल, जल्दी करे अपना डाटा ट्रांसफर। हमारे देश में लगभग सभी व्यक्ति गूगल का उपयोग करते ही है, क्योंकि इसके कारण ही आज बहुत से लोगों को इतनी सारी इंटरनेट सुविधा मिल पाई है। और आपको इसकी एक खास अपडेट बता दें कि कंपनी गूगल आज यानी 2 अप्रैल से अपनी एक जरूरी सर्विस बंद करने जा रही है। अगर आप भी इस सर्विस को इस्तेमाल करते हैं तो आपको तुरंत डेटा सेव कर लेना चाहिए। आइए खबर के माध्यम से और जानकारी प्राप्त करते हैं। टेक्नोलॉजी के इस दौर में गूगल ने अपने कुछ प्लेटफॉर्म पर यह अपडेट प्रदान की है कि गूगल ने इसे लेकर कहा था कि अगर आप पॉडकास्ट का इस्तेमाल करते हैं और आपका इसमें डेटा है तो आप तुरंत इसे YouTube म्यूजिक पर ट्रांसफर कर लें। जुलाई 2024 तक इसके यूजर्स मेंबरशिप को ट्रांसफर कर सकेंगे। अगर आप डेटा ट्रांसफर करते हैं तो इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि सभी पॉडकास्ट YouTube म्यूजिक पर ट्रांसफर नहीं हो। क्या होंगे बदलाव? गूगल ने पॉडकास्ट के फीचर्स को धीरे धीरे यूट्यूब म्यूजिक के साथ इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया है। अमेरिका में यूट्यूब म्यूजिक और पॉडकास्ट एक ही ऐप में दिखने लगे हैं, जल्द ही अन्य देशों में जारी कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ग्लोबली गूगल पॉडकास्ट को 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है। दरअसल गूगल यूट्यूब म्यूजिक में पॉडकास्ट के फीचर को भी ऐड किया जा रहा है, जिसमें RSS फीड भी शामिल है। अपनी ये सर्विस बंद कर रहा गूगल, जल्दी करे अपना डेटा ट्रांसफर। इस खबर को पढ़ने के बाद आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको बता दे कि इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पॉडकास्ट ऐप पर विजिट करना होगा। यहां आपको स्क्रीन के टॉप पर एक्सपोर्ट सब्सक्रिप्शन दिखाई देगा, जिसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहां आपको एक्सपोर्ट टू YouTube म्यूजिक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको एक्सपोर्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है और फिर इसे कंटिन्यू कर देना है। अगर आप सब्सक्रिप्शन देखना चाहते हैं तो ये आपको गो टू लाइब्रेरी में मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार से आप अपना डाटा सेव कर सकते हैं। अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो कर ले, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को